व्हाट इफ का एक एपिसोड सांगची को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बना दिया है एमसीयू का। बिलीव नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि हाउ पावरफुल इज सांगची। हाँ, वो थॉर को मार सकता है, यहाँ तक कि ओडिन को रोक सकता है और उसके गंगनीर के वार तक को रोक सकता है और ऊपर से आयरन मैन तक को भी खत्म कर सकता है। और उसके सामने यदि आप गॉड को भी खड़ा कर दोगे तो वो उसको भी मार सकता है अपने टेक्निक के मदद से, खास करके एंडिंग के मदद से। कैसे, चलो मैं बताता हूँ। तो व्हाट इफ एपिसोड 7 मैंने देखा और उसके अंदर हमें दिखाया गया फिर से टेन रिंग को। सांगची मूवी के बाद हमें एपिसोड 7 के अंदर ही देखने को मिला है व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो पावर दिखाया गया है टेन रिंग का, ये पावर ब्रोकन है। मतलब इतना ज्यादा ब्रोकन पावर है कि मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। गंगनीर एक ऐसा हथियार जिसको ऑल फादर यूज करते हैं, यानी कि थॉर के पिताजी जो कि नाइन रियल्म का राजा है या किंग है, गॉड है, वो यूज करते हैं। और उसमें इतना पावर है कि वो पूरे प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन सोचो उस गंगनीर का सबसे पावरफुल ब्लास्ट को कितने टेन रिंग ने मिलकर रोका होगा। बिलीव नहीं करोगे, 5 रिंग ने गंगनीर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वार को ऐसे चुटकी बजा के रोक लिया, वो भी बहुत देर तक, जो कि हमें बता देता है कि ये जो टेन रिंग है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। और ये भी हमें इससे पता चल गया है कि ये जो टेन रिंग है कहीं से भी क्यू रिमेन से या कैंग द कॉन्करर से रिलेटेड नहीं है। और ये किससे रिलेटेड है बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। और जब बात कर रहे हैं सांगची के बारे में, तो अभी उसके ये टेंडरिंग है, लेकिन एपिसोड 7 के अंदर व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर हमें ऐसा दिखाया गया है टेंडरिंग के पास इतना ज्यादा पावर है कि वो सीधा गॉड को भी मार सकता है। क्योंकि हैंडल जब ओडिन के पास जाता है वो सीधा बोलता है कि मिडगार्ड पे टेंडरिंग है जो कि गॉड को मार सकता है। तो यहां पे हो गया ना सांगची सबसे स्ट्रांगेस्ट कैरेक्टर और सबसे पावरफुल कैरेक्टर पूरे एमसीयू का। अब इससे भी यदि आपको पता नहीं चला कि टेंडरिंग का पावर कितना ज्यादा है, तो वेनवू ने इस एपिसोड के अंदर लिटरली टेंडरिंग से फाइट किया था, गंगनीर को रोका था, ओडिन को रोका था और ओडिन से फाइट कर रहा था वो भी टेंडरिंग के मदद से। अब यहाँ पे हमें लास्ट में दिखाया गया कि वेनवू हार जाता है और वो टेंडरिंग होने के बावजूद भी ओडिन को नहीं ओवरपावर कर पाता है। लेकिन अब यहाँ पे यदि आप सोच रहे हो कि यदि वो ओवरपावर नहीं कर पाया तो सांची कैसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया, तो यहाँ पे सुनो, हेला ओवरपावर करती है ओडिन को। ठीक है, वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में जाती है, उसके गंगनीर पकड़ के उसको वैसा ही ओवरपावर करती है जैसा कि हमने वेनवू को होते हुए देखा था सांची के मम्मी के हाथों। तो समझ रहे हो, मतलब हेला के पास जो टेक्निक है वही टेक्निक सांगची के पास भी है। मतलब वही हवा में हाथ घुमाने वाला या कह सकते हो कुंफू कराटा जो भी है, वो अपने सांगची के पास भी है। तो यदि सांगची वो यूज करे थॉर पे और उसके बाद उससे कमजोर कर दे, उसका हथौड़ा छीन ले और उसके बाद टेंडिंग से उसे मार दे, तो मतलब थॉर खत्म, आयरन मैन को मारने चाहे वो भी खत्म भाई, जिसको चाहे अब सांगची मार सकता है। लेकिन अपना सांगची बाबा ऐसा करेगा नहीं क्योंकि वो आपका सी बात है हीरो है। लेकिन ये एक एपिसोड सांगची को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बना देता है क्योंकि उसके पास जो हथियार है वो लिटरली गॉड किलर हथियार है। अब हथियार के बारे में बात हो ही रहा तो चलो बात कर लेते कि ये जो टेंडरिंग है भाई आखिरकार ये आया कहां से और इसका ओरिजिन क्या है। तो भाई देखो, इसके पीछे मेरे पास एक सिंपल सा जवाब है कि भाई देखो, जो ये टेंडरिंग है ना, इसके पास अपना दिमाग है, समहाउ इसके पास अपना दिमाग है और इसको पता चल जाता है कि हु इज इविल और हु इज मतलब अच्छा। ठीक है, क्योंकि हमने देखा है जब भी ये वनवू के हाथ में रहता है ये ब्लू कलर का चमकता है, लेकिन जब भी ये सांगची के मम्मी के हाथ में गई थी या सांगची के हाथ में गया था वहां पे वो ऑरेंज कलर में चमकना स्टार्ट कर दिया था, जो कि हमें बता देता है कि यदि अच्छे इंसान के पास ये जाता है तो ये अच्छे की तरह से बिहेव करता है। और यदि ये कलर को हम देखे तो ध्यान से देखो, ये ऑरेंज कलर को हमने कहीं तो देखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इटर्नल मूवी का। इटर्नल मूवी के अंदर हमने इस सीन के अंदर ऐसा ही कलर को यूज होते हुए देखा है और साथ ही साथ थ्रू आउट द मूवी हमने बहुत बार देखा है यही कलर। अब मैं बोलना क्या चाहता हूँ, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो टेंडरिंग है कहीं और से नहीं, सेलेस्टल के सेलेस्टियल हाँ, इसने बनाया है, यानी कि सेलेस्टियल ने बनाया है। वो कैसे, चलो समझाता हूँ। तो ईगो के बारे में तो आपको पता ही होगा। नहीं, मैं घमंड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पीटर क्विल के पिताजी के बारे में, जो कि एक सेलेस्टियल था और उसके अंदर इतना ज्यादा पावर था कि उसको कोई भी सुपर हीरो हराने का सोच भी नहीं सकता अकेले। लेकिन व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 2 के अंदर हमें दिखाया गया था कि उसका एक जो फ्लावर था जिसके मदद से वो किसी भी प्लैनेट को अपने कब्जे में कर लेता था, वो जो फूल था या वो जो फ्लावर था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि थॉर
इस एपिसोड के अंदर बोलता है कि मैं इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ, यदि मैं चाहूँ भी इसे मैं डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। और यदि एपिसोड 7 के बारे में बात करें तो वहां पे गंगनीर से तोड़ने का कोशिश किया गया था वेनबू का टेन रिंग को, लेकिन ओडिन वहां पे फेल कर गया था, जो कि हमें बता देता है ये फ्लावर और ये वाला टेन रिंग एक ही जगह से बना हुआ है। और जैसे यहाँ पे ईगो ने इस फ्लावर को बनाया है जिसे थॉर तोड़ नहीं पाया था, डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था, और इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई सेलेस्टियल ही चाहिए, वही कर सकता था, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता था। और पीटर को हमने करते हुए देखा था, उसने अपने अंदर अब्जॉर्ब भी कर लिया था और उसको नष्ट भी कर दिया था। और वैसे यदि हम टेंडिंग के बारे में बात करें तो उसका भी यदि आप कलर देखोगे तो सबसे पहले हमें वो ब्लू कलर में ही देखने को मिला था, जो कि पीटर क्विल का। इस वाले सीन को देखोगे तो यहाँ पे भी उसका कलर जो चमकता है वो ब्लू कलर में ही चमकता है। और हमें ये पता है जो सेलेस्टियल है उसका कलर ऑरेंज कलर में भी दिखाया गया है और वहीं पे हमें ब्लू कलर में भी दिखाया गया। और यदि ब्लू और ऑरेंज दोनों को लो तो यदि हम बात करें इवल ईगो का तो उसका हमने कलर देखा है, उसका जो पावर का कलर है वो है ब्लू कलर का। लेकिन हम बात करें इटर्नल का जो कि सेलेस्टियल के पावर से ही बने हुए हैं तो वो आपको ऑरेंज कलर में चमकता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि हमें एक ही चीज बताता है कि जो यहाँ पे ये पावर या ये जो टेंडरिंग है वो कहीं और से बना हुआ नहीं है, सेलेस्टियल द्वारा ही बनाया गया है। और हो सकता है फेस्टोस ने इसे बनाया होगा पृथ्वी के शुरुआत में ही, ऐसा चांस बहुत ज्यादा है क्योंकि जो फेस्टोस था वही एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि टेक्नोलॉजी को अर्थ पे लाया था मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर। और यदि ऐसा है तो हो सकता है उसी ने टेंडरिंग को बनाया होगा अर्थ के भलाई के लिए, लेकिन समहाउ वो वेनवू को मिल गया होगा और उसके कारण से वो खुद को ही सबसे ज्यादा पावरफुल समझने लग गया होगा। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है और इसी कारण से ये जो टेंडरिंग है ये इतना ज्यादा पावरफुल भी है क्योंकि ये ओरिजिन जो इसका हुआ है कहीं और से नहीं, सेलेस्टियल हाँ इससे ही हुआ है। तो अब आपको आई होप पता चल गया होगा कि कैसे शांची सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन गया और कैसे ये जो टेंडरिंग है भाई कितना ज्यादा पावरफुल है और ये टेंडरिंग का ओरिजिन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा।